ప్రతి సీన్ ప్రతి షాట్ మైండ్ బాత్ లోపల సీరియస్ యాక్షన్ మూవీ बहुत शानदार मूवी यार। एक्शन सीन्स वगैरह कैसा लगा थे? साउथ का डायरेक्शन है तो आप समझ सकते हो कि एक्शन तो बहुत शानदार है। फिल्म के अंदर काफी वायलेंस बताया, तो आपको क्या लगा? वायलेंस तो रहेगा क्योंकि एनिमल है, और इस बार मुझे रणबीर कपूर को देख के मैं खुद चौंक गया कि बहुत शानदार, क्योंकि चॉकलेटी बॉय की उसकी इमेज है, लेकिन इस बार वो जिस रोल उसने किया है तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा उसने एक्शन किया है। रश्मिका मंदाना के साथ उनकी जोड़ी कैसी लगी? यार उतना जमा नहीं मुझे, थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी भी ऐसा कुछ है, थोड़ा सा ये है, पर कोई और भी होता तो अच्छा लगता, लेकिन चलेगा। अनिल कपूर और उनके बाप बेटे वाली स्टोरी बहुत शानदार है। कपूर फैमिली एक तरीके से कि अनिल कपूर बहुत इस बार फादर के रोल में बहुत अच्छे लगे और बहुत मैच किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। उनकी जो स्टोरी है और जो फैमिली ड्रामा दिखाया है बहुत शानदार, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। लगभग 3.5 घंटे की है तो बोर किया फिल्म ने आपको? हाँ, थोड़ा सा ड्रामा है, कहीं उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको बोर नहीं, आप 3.5 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे, आप निकाल लोगे। 5 में 4.5 दूंगा। ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करूंगा यार, बहुत ऐसी मूवियाँ आजकल हमारे यहाँ बहुत कम आ रही है, और रणबीर कपूर को तो हम तो जानते ही हो कि भाई एक्टिंग के लिए जाना जाता है, और उसमें बहुत अच्छी उसने एक्टिंग की है, और बिल्कुल जाओ। रणबीर कपूर की काफी तारीफ हो रही है इस कैरेक्टर को लेकर, तो आपको क्या लगा देखकर? होना भी चाहिए, क्योंकि हर बार आपको पता होता है कि यार रणबीर कपूर आजकल जो उसकी फिल्में नहीं चल पा रही क्योंकि उसे स्टोरी नहीं मिलती, लेकिन इस स्टोरी के लिए वो बिल्कुल फिट है, और जो कैरेक्टर है वो शानदार है। फिल्म में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मुझे रणबीर कपूर की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी।